भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है, संगीतकार जयकिशन और उनके साथ ही शंकर का जिक्र जरूर होता है। वो पहली ऐसी संगीतकार जोड़ी थी जिसने लगभग दो दशक तक संगीत जगत पर राज किया और हिंदी फिल्म संगीत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम किया। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाई पांचाल, इनकी जुगलबंदी ने जिस शंकर जयकिशन युग की शुरुआत की, वो 1949 से 1969 के बीच पूरे 20 सालों तक सुरीले दौर के तौर पर सिने इतिहास में दर्ज है। शंकर और जयकिशन की मित्रता ने सांगीतिक अर्थों में भी दो विभिन्नताओं को एक सामान्य धरातल पर लाकर एक नए ढंग की संगीतकार जोड़ी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने जहां एक ओर तबला और ढोलक को हारमोनियम से मिलवाया, वहीं दूसरी ओर लय को अप्रतिम ढंग से सुरीलेपन में जगह मिली। आंध्र प्रदेश और गुजरात के प्रचलित संगीत और लोक धुनों को भी एक दूसरे के समीप आने का मौका मिला। इन दोनों संगीतकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी कलाओं और नैसर्गिकता को एक सुरमई आकाश के तले लाकर खड़ा किया, जहां से फिल्मों में उनकी संगीतमय यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली यात्रा बन गई। शंकर जयकिशन का संगीत एक ऐसे आधुनिक संगीत की नींव रखता हुआ दिखाई देता है जिसमें से पहले के संगीतकारों के रिदम पैटर्न की अंतर्ध्वनियां समाहित न होकर कुछ नए किस्म की लयकारी और ताल संरचना अपना आकार लेती है। इस संगीतकार जोड़ी ने नए ढंग का संगीत बनाते हुए पियानो, मैंडोलिन, गिटार, एकॉर्डियन और ड्रम आदि का प्रयोग करने के साथ साथ शास्त्रीय वाद्यों का भी बखूबी इस्तेमाल किया, खासतौर से ऐसे वाद्यों का जिनकी संरचना को फिल्म संगीत में प्रमुखता से अंजाम नहीं दिया जाता था, जैसे बसंत बहार फिल्म में पन्नालाल घोष की बांसुरी, सीमा फिल्म में उस्ताद अली अकबर खान का सरोद, पंडित राम नारायण की सारंगी और फिल्म आम्रपाली में उस्ताद रईस खान का सिधार। इन सभी का बेहतरीन इस्तेमाल गीतों में देखा जा सकता है। इस जोड़ी के संगीतबद्ध गीतों में शंकर के पियानो को फिल्म अनाड़ी में, हजारा सिंह के इलेक्ट्रिक गिटार को फिल्म शरारत में, मनोहारी सिंह के सैक्सोफोन को फिल्म आरजू में, चिक चॉकलेट के ट्रम्पेट को फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में, बलसारा के हारमोनियम को फिल्म दिल एक मंदिर में और गुड़ी सिरवई के एकॉर्डियन को फिल्म चोरी चोरी में सुना जा सकता है। इस संगीतकार जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हुआ। उनके पिता राम सिंह मध्य प्रदेश के थे, लेकिन काम के सिलसिले में हैदराबाद में आकर बस गए थे। शंकर को शुरू से ही कुश्ती का शौक था और उनका कसरती बदन बचपन के इसी शौक का परिणाम था। घर के पास के ही एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान तबला वादक का वादन भी बचपन में बहुत आकर्षित करता था उन्हें। तबला बजाने की लगन दिनों दिन बढ़ती गई। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नसीर खान की निगाह उन पर पड़ी और शंकर उनके चेले हो गए। माली हालात ऐसी थी कि ट्यूशन भी करनी पड़ी। शंकर अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए जिसके संचालक मास्टर सत्यनारायण थे। बाद में शंकर मुंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में तबला वादक बन गए। पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी उन्हें मिलने लगी। वहीं पर शंकर ने सितार बजाना भी सीख लिया। शंकर की जयकिशन से मुलाकात भी बड़े अजीब ढंग से हुई। ओपेरा हाउस थिएटर के पास की व्यायामशाला में कसरत के लिए शंकर जाया करते थे और वहीं पर दत्ताराम से उनकी मुलाकात हुई। दत्ताराम शंकर से तबले और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे और एक दिन उन्हें फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए दादर में गुजराती फिल्मकार चंद्र वदन भट्ट के पास वो ले गए। वहीं पर जयकिशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे। इंतजार के क्षणों में ही बातों में शंकर को पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाते हैं। उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह खाली थी। शंकर ने प्रस्ताव रखा तो जयकिशन तुरंत मान गए और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले शंकर और जयकिशन साथ साथ काम करने लगे। पठान फिल्म में
दोनों ने साथ साथ अभिनय भी किया। काम के साथ साथ दोस्ती भी प्रगाढ़ होती गई। शंकर साथ साथ हुसनलाल भगतराम के लिए भी तबला बजाने का काम करते थे और इन दोनों भाइयों से संगीत की बारीकियां भी वो सीखते रहते थे। पृथ्वी थिएटर्स में ही काम करते करते शंकर और जयकिशन राज कपूर के भी करीबी हो गए। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म के संगीतकार थे पृथ्वी थिएटर्स के वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली और शंकर जयकिशन उनके सहायक थे। लेकिन बरसात के लिए संगीत की रिकॉर्डिंग के शुरुआती दौर में जब राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई एक धुन राम गांगुली उसी समय बन रही एक दूसरी फिल्म के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो वो नाराज हो गए। शंकर जयकिशन की प्रतिभा के तो वो कायल थे ही। जब उन्होंने शंकर के द्वारा उनकी लिखी कम्पोजिशन अबुआ का पेड़ है वही मुडेर है मेरे बालमा अब काहे की देर है इसकी धुन सुनाई तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को ही बरसात का संगीत सौंप दिया। यही धुन बाद में जिया बेकरार है छाई बहार है इसके रूप में बरसात में आई। फिल्म बरसात में उनकी जोड़ी ने सुपरहिट संगीत दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि फिल्म बरसात से ही गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भी अपने सिने करियर की शुरुआत की। फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए। इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और गीतकार जोड़ी शैलेंद्र हसरत जयपुरी के साथ राज कपूर की एक टीम बन गई थी। इस टीम में लता मंगेशकर और मुकेश भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर फिल्म संगीत के क्षेत्र में कई नए आयाम जोड़े। राज कपूर की अगली फिल्म आवारा 1951 में आई। इस फिल्म में 10 गाने थे। आवारा हूँ और हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे मुकेश के गाए हुए और मुकेश लता मंगेशकर का डुएट दम भर जो उधर मुंह फेरे बेहद पसंद किए गए। इसी फिल्म के एक गाने में शंकर जयकिशन ने बहुत ही खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस रिकॉर्ड किया। पूर्वार्ध गीत के बोल तेरे बिना आग ये चांदनी तू आ जा मुझको ये नरक न चाहिए मुझको चाहिए बहार और फिर घर आया मेरा परदेसी ये पूरा का पूरा करीब 10 मिनट का गीत अपने आप में एक पूरी कहानी कह जाता है। जिंदगी के लिए प्रेरणाप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला ये गीत फिल्म के नायक राज कपूर की जिंदगी को बदल देता है उनकी आंखें खोल देता है। वो बुराई का रास्ता छोड़कर अपनी माँ को वचन देते हुए कहते हैं माँ मैं अच्छा बनूंगा। ये कमाल शंकर जयकिशन के संगीत का था। इस गीत को रिकॉर्ड करने में 24 घंटे से भी अधिक का समय लगा था। राज कपूर के लिए शंकर जयकिशन ने 18 फिल्मों में संगीत दिया। बरसात और आवारा की सफलता के बाद शंकर जयकिशन को दूसरे निर्माता निर्देशकों की फिल्में भी मिलने लगी लेकिन शैलेंद्र के जीवन तक शंकर जयकिशन के लिए सिर्फ शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने ही गीत लिखे। इस संगीतकार जोड़ी ने किसी और के लिखे गीतों को संगीतबद्ध नहीं किया। यही इस टीम की खासियत थी आपसी समझौता था। इन दोनों गीतकारों को तो दूसरे संगीतकारों के लिए गीत लिखने की आजादी थी लेकिन शंकर जयकिशन ने सिर्फ इन्हीं दोनों से गीत लिखवाए। 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र के निधन के बाद इस टीम में दूसरे गीतकार शामिल हुए। 1951 में ही शंकर जयकिशन ने अमिय चक्रवर्ती की फिल्म बादल का संगीत दिया। इस फिल्म में प्रेमनाथ और मधुबाला मुख्य कलाकार थे। फिल्म के प्रोड्यूसर थे भगवान दास वर्मा। फिल्म के 8 गानों में मुकेश का गाया गीत मैं राही भटकने वाला हूँ ये गीत सबसे ज्यादा पसंद किया गया। 1951 में ही दो और फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दिया। एक थी किशोर साहू की फिल्म काली घटा और दूसरी रविंद्र दवे की फिल्म नगीना। काली घटा में किशोर साहू के साथ बीना राय और आशा माथुर थी। फिल्म के 6 गानों में 5 गाने लता मंगेशकर के सोलो थे और एक गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का डुएट था ओ काली घटा घिर आई रे ये गीत पसंद किया गया। नगीना में नूतन के साथ नासिर खान थे जो अभिनेता दिलीप कुमार के भाई थे। बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वो भारत वापस आ गए थे। 1961 में दिलीप कुमार ने फिल्म गंगा जमुना प्रोड्यूस की थी जिसमें इन दोनों भाइयों ने एक साथ काम किया था। वैसे नासिर खान ने
नगीना के अलावा 1952 में नूतन के ही साथ शीशम, 1953 में मीना कुमारी के साथ दायरा, 1954 में नरगिस और नंदा के साथ अंगारे और 1955 में बेगमपारा के साथ लुटेरा फिल्म की थी। नगीना फिल्म में 4 गाने सीएच आत्मा ने गाए थे, 3 गाने लता मंगेशकर ने, जबकि मोहम्मद रफी के 2 डुएट थे, एक शमशाद बेगम के साथ माई डियर आओ नियर और लता मंगेशकर के साथ हमसे कोई प्यार करो जी। शंकर जयकिशन के संगीत का ये सफर जारी रहेगा हमारे साथ। देखते रहिए वाइटिंग इंटरटेनमेंट। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग इंटरटेनमेंट।